असल डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज़ मलिक एंड आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास नाइन्थ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर एट स्पेसिफिक हीट कपैसिटी हीट कपैसिटी लेट्स सपोज के आपके पास कहीं कोई मैथ मौजूद है तो जब भी आप उस चीज को हीटअप करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जब भी आप किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो बेसिकली अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है दैट मीनस डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेल्टा टी कि आप जितनी हीट उसको देते जाएंगे उतना उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा दैट्स दे बॉड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि मेरे पास पहले कुछ मैस था कुछ लिक्विड था जो कि स्मॉल अमाउंट में था स्मॉल क्वांटिटी में था

उतनी ज्यादा हीट आपको प्रोवाइड करनी होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए तो यहां पर मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि डेल्टा क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेल्टा टी के के भी भी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैस के भी। तो अगर मैं इन दोनों को एक ही क्वेश्चन में लेकर आऊं दैट इज डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम डेल्टा टी तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है सी डेल्टा तो क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लार्ज क्वांटिटी में कहीं पर लिक्विड मौजूद था और मैंने कहा कि आपने इनको हीट प्रोवाइड करनी है कि इसका वन कैलवन टेम्परेचर राइज कर जाए तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे कि मैं इसको कितनी हीट प्रोवाइड करूं कि इसका वन कैल्वन राइज कर जाए सो so ये आपको मालूम नहीं है लेकिन अगर मैं आपको इसकी स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी बता बता दूं तो फिर आप इजीली सकते हैं कि मैं कितनी इसको प्रोवाइड करूंगा कि इसका वन कैल्वन टेम्परेचर राइज कर जाए सो so अब यह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है यह कौन सा फैक्टर है कि जिसको बताने से यह प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज उाइल जस्ट टल्स दट हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन किलोग्राम ऑफ मैस थ्रू वन कैलवन स्पेसिफिकता है कि अगर आपके पास एक मैस वन किलोग्राम का है और उसका आपने वन कैल्वन टेम्परेचर राइज करना है तो वह कितनी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा कि उसका वन कैल्वन टेम्परेचर राइज कर जाए फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मैस है

कितनी हीट रिक्वायर्ड है तो आप इजीली बता सकते हैं कि जब मेरे पास वन किलोग्राम मास था तो उसका मुझे मुझे सिंपली ट्वेंटी को फाइव से मल्टीप्लाई करना होगा एंड दैट इज हंड्रेड जाउल सो हंड्रेड जाउल हीट मुझे रिक्वायर्ड है इस फाइव किलोग्राम लिक्विड का वनवन टेम्परेचर राइज करने के लिए तो ये प्रॉब्लम किस तरह से आसान हो गई जस्ट टू नो द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम हो किसी भी क्वांटिटी की किसी भी मैटर की तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि अगर वो क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में भी मौजूद है तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि उसका वन के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी सो वी कैन डिफाइन इट एज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of one kilogram mass of that substance through one kelvin. So specific heat capacity क्या है कि कितनी amount of heat required होगी एक one kilogram mass का temperature rise करने के लिए उसका temperature rise कितना करना है just one kelvin. Clear? So यहाँ से हम specific heat capacity का formula भी बना सकते हैं. जैसे कि सी एम के साथ यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एम और डेल्टा टी को आप सिंपली क्यू के साथ जाकर डिवाइड कर दें सो मैथमेटिकली सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की डेल्टा क्यू हीट जो कि आप करते हैं जाउल में मैथ मयर इन किलोग्राम्स एंड डेल्टा टी टेम्परेचर मयर इन कैलवन तो सिंपली हम इसकी जगह यूनिट प्रोट करते हैं तो so, जाउल पर किलोग्राम पर कैलवन दैट मीन्स के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट हो गया जाउल पर किलोग्राम पर कैलवन क्लियर सो आई होप इस लेक्चर में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है अब इसी के साथ बुक में साइड टेबल पर आपको कुछ सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यूज बता दी गई हैं कि इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी

जाउल हीट रिक्वायर्ड है उसका वन कैलवन टेम्परेचर राइज करने के लिए इस तरह से बात करते हैं सॉइल की तो सॉइल की स्पेसिफिक है एट हंड्रेड एंड टेन जाउल पर किलोग्राम पर कैलवन कि जस्ट अगर मेरे पास सॉइल वन किलोग्राम है तो उसका मैंने अगर वन कैलवन टेम्परेचर राइज करना है तो मुझे एट टेन जाऊल हीट रिक्वायर्ड है उसका वन केलवन टेम्परेचर राइज करने के लिए अब यहां आप ये यह देख रहे हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है इसी वजह से वो एरियाज जो कि पानी से काफ़ी दूर होते हैं उनमें टेम्परेचर चेंज बहुत जल्दी आता है और वो एरिया जो कि पानी के बहुत करीब होते हैं उनमें टेम्परेचर चेंज जल्दी नहीं आता जैसे कि अगर हम बात करें कि वो एरिया जो कि समंदर के करीब हैं उन एरियाज़ में टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो ज़्यादा नहीं होती लेकिन वो एरिया जो कि समुंद्र से बहुत दूर है उन एरिया में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत जल्दी आ जाती है जैसा कि मैंने कहा कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो ऐसा क्यों होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो लार्ज अमाउंट हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और सॉइल की हीट कैपेसिटी बहुत कम है तो वो बहुत कम हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि सनशाइन जो है जितना लेट्स के लाहौर में है उतना ही सनशाइन कराची में भी है अब चूंकि कराची समंदर के बहुत करीब है तो समंदर की वजह से सन की वो जो हीट है वो वाटर एब्जॉर्ब करता जा रहा है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 हंड्रेड जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन तो 4200 टू जाउल हीट एब्जॉर्ब करने पर वहां का वन कैलवन टेम्परेचर इंक्रीज कर गया अब वही फोर्टी टू हंड्रेड जाउल हीट लाहौर में भी सनशाइन हो रहा है वहां पर भी फॉल कर रही है वही हीट तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर है सॉयल तो सॉइल की वजह से यहां पर फोर्टी टू हंड्रेड जब हीट यहां पर फॉल करेगी तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर फाइव कैलवन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज सॉयल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 810 हंड्रेड जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन वहां पर इंक्रीज कर जाएगा अब कराची में वही टेम्परेचर इंक्रीज किया सिर्फ वन केलवन लेकिन लाहौर में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया फाइव केलवन का दैटमिन टेम्परेचर में चेंज जो है वो जल्दी आ गया जस्ट बिकॉज ड्यू टू लेस स्पेसिफिक इस तरह से अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल रात में जो सॉइल है ठंडी तो हो जाती है तो ऐसा क्यों होता है कि वहां पर जब हीट बाहर को निकल रही है रात के वक्त में तो उसमें भी सिर्फ सॉइल की जो हीट है वो 810 हंड्रेड ही, जब हीट वो लूज कर देगा तो उसका वन कैलबन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा लेकिन अगर एट हंड्रेड हीट एनर्जी अगर समंदर से लूज होगी बाहर निकलेगी एमिट होगी तो उससे उसका कोई टेम्परेचर लूज नहीं होगा कोई टेम्परेचर डिक्रीज नहीं आएगा तो जब तक 4200 टू हीट वहां से एमिट नहीं हो जाती तब तक उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा सो नाउ यू नो वेरी वेल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और वाटर की इस लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से इसको हम बहुत से यूजफुल के लिए इस्तेमाल भी किया करते हैं जैसा कि बहुत से आपके सिस्टम ऐसे हैं जहां पे आपको अनवांटेड हीट जो है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होती जो कि अगर वहां पर हीट प्रोड्यूस होती रहे तो वो आपके उस इंजन को या सिस्टम को सीज भी कर सकता है फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों के इंजन के साथ हम यूज करते हैं रेडिएटर और रेडिएटर में हम इस्तेमाल करते हैं पानी को वहां भी हम पानी क्यों डालते हैं जस्ट हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती रहे और आपका इंजन जो है उसका टेम्परेचर मॉडरेट रहे और अगर वहां पर पानी मौजूद ना हो रेडिटर के साथ मौजूद ना हो तो उसे क्या होगा कि आपकी इंजन से हीट प्रोड्यूस होती रहेगी और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आपका इंजन जो है वो सीज भी हो सकता है सो बेसिकली वाटर जो है वो पूरे इंजन में साथ साथ सर्कुलेट करता है जहां से वो गुजरता है वहां से वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वही वाटर जब पास करता है दोबारा रेडिएटर में से तो आपको मालूम है कि रेडिएटर में साथ एक फ़ैन भी लगा होता है और वो फ़ैन उस पानी में से हीट को बाहर निकाल देता है इस तरह से वो वाटर दोबारा से कोल डाउन हो जाता है और वो दोबारा से सर्कुलेट करता है पूरे इंजन में और साथ साथ वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता जाता है एंड सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहता है और आपके गाड़ी का जो टेम्परेचर है जो इंजन का टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है तो आई होप यहाँ से आपको लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह तो से जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स हैं वहां पर भी आप वाटर को यूज करते हैं ताकि जो पानी जब हम बॉयलर से दोबारा रेडिएटर की तरफ भेजते हैं तो वहां भी वो हीट को इवॉल्व कर देता है रेडिएटर और दोबारा से वो फिर कूल वाटर दोबारा से पास होता है बॉयलर में सो आई होप यहां से आपको लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा सो so, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं सो नाउ लेट्स मूव द व्हाइट बोर्ड टू सॉल्व एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर एट

डाटा में आपको वाटर जो है वो गिवन है 2.5 लीटर और वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे वॉल्यूम के साथ विच इज 2.5 पॉइंट लीटर्स और क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है विच इज थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब और वी कैन से वन किलोग्राम पर लीटर सो दैट्स वाई हम यहां पर कहेंगे कि उसका मैस भी है टू पॉइंट फाइव किलो ग्राम अब यहां पर टेम्परेचर टी वन है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस सो टेंचर टी टू विच इज दैट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम इसका टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं डेल्टा टी and that is equals to t2 minus t1 which is 100 degree celsius minus 20 degree celsius and that is equal to 80 degree celsius or we can say that it is 80 kelvin this is delta t now we can easily find the amount of heat is required so what we have to find which is delta q and that is equal to question mark so now write solution we know that delta q is equal to mc delta t simply we have to put the values in it m is 2.5 एंड सी द स्पेसिफिक विच इज फोर्टी टू हंड्रेड जाउल पर किलोग्राम पर कैलविन एंड डेल्टा टी इज एटी कैलविन आंसर एट फोर्टी थाउजेंड जाओल हीट इज रिक्वाड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ दैट फाइव टू पॉइंट फाइव लीटर्स ऑफ वाटर सो यहाँ पर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं

जैसे कि मैंने लास्ट में कहा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है अगर वन किलोग्राम मैस मौजूद है और उसका वन केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है वन केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब आपके पास लार्ज क्वांटिटी में एक मैस मौजूद है तो अब उसका वन केल्विन टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना हो तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट होल क्वांटिटी सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी को तो in so क्या है कि एक बॉडी में कितनी थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी अगर उसका वन कैल्वन टेम्परेचर इंक्रीज करना हो अब यहां पर बात हम कर रहे हैं उस क्वांटिटी की कि आपके पास क्वांटिटी कितनी मौजूद है तो हीट कैपेसिटी हम सिंपली यहाँ पर फॉर्मूले में मेंशन से कर सकते हैं दैट हीट कैपेसिटी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी डेल्टा क्यू विच इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी तो डेल्टा टी डेल्टा टी से कैंसिल आउट हो जाएगा और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एम सी सो इफ यू नो द स्पेसिफिक हीट कैपैसिटी ऑफ अब्सटांस यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद मैथ कि आपके पास कितनी क्वांटिटी मौजूद है और आप उसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास उसकी टोटल हीट कैपेसिटी आ जाएगी कि अगर हम इसको इतनी हीट प्रोवाइड करें तो तब जाकर उसका वन केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल मेंशन है कि अगर आपके पास फाइव किलोग्राम वाटर मौजूद है तो कितनी हीट हम उसको प्रोवाइड करें कि उसका वन केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए अब आप जानते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 पर किलो पर, पर किलोग्राम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी जाउल पर कैल्वन दैट मीन कि ट्वेंटी वन थाउजेंड जाउल हीट रिक्वायर्ड है उसका वन कैलवन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आई होप टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज